Okay. Black and fresh. Alpinage 3. केंचवा ब्रांड है. सबसे पहले आप इस ग्राउंड सीखो. ये मेन बॉडी है टेंट की और ये ग्राउंड सीट है और इसका कवर भी कहते हैं इसको. वैसे इसको फ्लाई बोलते हैं. रॉड्स को खोलने का जो तरीका है सेट करने का, वो प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए पहले एक सिरा पकड़ के इस तरह से वो कर लेंगे लंबा, और फिर इस तरह से हिलाएंगे इसे ऐसे, और ये बन गया है. ठीक है. और इसी तरह से दूसरा सिरा पकड़ के ले जाएंगे इस तरह से. ये सबसे बेस्ट तरीका है रॉड्स को असेंबल करने का. देन रॉड्स को लेके आएंगे, क्रॉस में रखेंगे. ये जो हुक है इसका, इस हुक में इसको इस तरह से फंसा लेंगे दोनों से. फिर इसको पकड़ेंगे इस तरह से ऐसे, और इस रॉड को मोड़ेंगे. थोड़ा बाहर जाएगा और इसको फिक्स कर देंगे. सेम आइडिया, इसका ये एंड पकड़ेंगे, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे. यहाँ से उठाएंगे और जो इसका सेंटर वाला हुक है इसको इसके साथ में माउंट कर देंगे इसको. फिर बाकी के हुक भी लगाएंगे. कई टेंट में यहाँ पे दो और फीते अलग से होते हैं, तो आप किसी डोरी से भी इसको बांध सकते हो फिक्स करने के लिए. वैसे ये भागता नहीं है, थोड़ा सा ट्रैवल करता है. ठीक है. इस टेंट में नहीं है, सिर्फ ये है. इसको नीचे वाले में नहीं रखना है, नीचे वाले पे नहीं आएगा, ये आएगा ऊपर वाले पे. ठीक है. नाउ टेंट आपका रेडी है. ये इसका गेट है इस तरह से, और क्योंकि अगर हाई एल्टी पे टेंट्स लग रहे हैं तो वहाँ पे बहुत विंडी एरिया होता है, बहुत तेज़ हवा चलती है. आपके जितने भी कवर हैं उसको सबसे पहले डोर साइड पे आप एंकर कर दो. अगर बहुत तेज़ हवा जाएगा तो वो इसमें फंसा रहेगा, बहुत तेज़ हवा से बहुत दूर घाटी में नहीं जाएगा, इसमें फंसा रहेगा. सारे कवर इसके अंदर डालना है. इसके अंदर हैं पैग्स. पैग्स खोलने के बाद इसका कवर भी टेंट के कवर में डाल दीजिए, और जितना भी बचा हुआ सामान है, कवर है, कुछ भी है, उस बैग के अंदर सारा सामान रखना है. इसको लॉक कर दो, टेंट के अंदर फंसा दो सामान.
जैसे ब्लैक स्ट्रिप है, ये इसका गेट है, तो एक गेट यहाँ है, एक इसके साइड में है, एक गेट ही है, एक क्रॉस में है, तो इन दोनों गेटों को हमें सामने रखना होगा। इस तरह से तो कैसे आपको टेंट पिच करना है, ऐसे क्रॉस है, ये क्रॉस इस जो रॉड का क्रॉस है वहाँ पे बैठना है, और ये जो स्ट्रिप सिलाई आ रही है ये वाली इस रोड पे रखनी है, ये जो हुक है ये होगी इस इसमें फंस जाएगा, इसको एंकर कर देंगे, चारों कोने पे हम चारों हुक लगा लेंगे इस पे। नाउ पेरिज को पत्थर से कभी ऐसे हिट नहीं करना है, देखो कैसे लगाएंगे, ये गेट है, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री पे इस तरह से रखना है इसको, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, और इस तरह से रखना है इसको, इससे विंडो आ गई, जितने भी स्नो ऐसा कुछ पड़ेगा इसमें बारिश, ये फिर खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ से अंदर वेंटिलेशन के लिए सफोकेशन होने से रोकने के लिए, कई टेंट्स में ऐसा होता है कि ये दोनों जगह पे लगाने के लिए होता है इस तरह की स्ट्रीम में, लेकिन दोनों जगह नहीं लगता है, एक ही जगह लगाना पड़ता है आपको, जहाँ पे भी कैंपिंग करते हैं वहाँ पे पत्थर आसानी से मिल जाते हैं, तो इस पैक्स की हाइट से ज़्यादा ऊंचा एक पत्थर आपको डोर साइड पे रखना है, इधर नहीं रखना, इधर रखना है, क्योंकि जब कोई भी नया बंदा जाएगा तो पत्थर की वजह से उस पर ठोकर नहीं लगेगी, ठीक है, पत्थर जरूर रखना है। देन ये जो स्ट्रिंग है इनको चारों कोनों पे, एक दो तीन चारों पोल पे ये माउंट करना जरूरी है, और इसके लिए आपको जो ये पोल हैं इस पोल से करीब 1.5-2 फीट की दूरी पे आपको इस तरह से 45 डिग्री पे आपको किसी लकड़ी की मदद से पैरेज को पहले ठोक इस तरह से, देन आपको यहाँ पे एक नोट लगानी है, इसका नाम है ओवरहैंड स्लिप नोट, फिर आपका जो ये एंड है यहाँ से जाके पैग्स को कवर करके इस पे जाना है, ये एक तरह से सी पुली की तरह से बन गया है, और इसको कसिए, ज़्यादा नहीं कसिए, और यहाँ पे आपको एक नोट इस तरह से लगाना है, बस सिंपल, यहाँ पे भी कोई पत्थर रख देना है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेंट में अक्सर ठोकर लगती है, पाँव को नुकसान हो जाता है या टेंट को नुकसान। अब हम चारों कोनों पे इस तरह से माउंट करेंगे, बहुत दूरी पे नहीं करना है, क्लोज क्लोज ही करना है, 1.5-2 फीट पे, और एक ओवरहैंड स्लिप नॉट लगाएंगे यहाँ पे, देन यहाँ से घुमाएंगे, किसी तरह का कोई नॉट पहने से पड़ा है तो उसको खोल लेंगे, उसके अंदर रखेंगे इसको, और इसको हल्का सा कस देंगे, ये जो बीच के पोर्शन है इसमें भी पैग्स का लगना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक गैप बनाए रखेगा और अंदर मॉइस्चर पैदा नहीं होगा।
जहाँ जहाँ पे बैग्स हैं आपको इस तरह से उसमें कुछ भी मिलता है उसको मार्क कर देना है। जब भी हम इसकी चारों ओर मूव करेंगे तो ये दिखाई देगा और ठोका नहीं मिलेगा। इस तरह से तो इस तरह से अगर आप टेंट पीस करते हैं कितनी भी तेज तूफान चलेगा आंधी आएगी ऐसे कुछ नहीं होता तो उड़ेगा नहीं ना ही आपका कोई सामान गायब होगा।